कैंसर रोगियों को अब अपने इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। रायबरेली शहर में कैंसर अस्पताल का विधिवत शुभारंभ हो गया है। रमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम से खुले इस निजी अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर शशांक चौधरी ने बताया कि हमने पहले भी गरीब मरीजों के इलाज के लिए मदद की है। तो सरकार ने मुख्यमंत्री राहत व आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है। अब इलाज होने में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का बोझ मरीजों को नहीं उठाना पड़ रहा। डॉक्टर ने कैंसर से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने के भी सुझाव दिए हैं। यूं तो अस्पताल में सभी रोगियों का इलाज संभव है। महिलाओं में होने वाले बीमारियों के इलाज के लिए विशेष महिला डॉक्टर भी 24 घंटे उपलब्ध रहने की बात अस्पताल संचालक ने कही है। मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और पिछले 3 साल से मैं प्राइवेट में लखनऊ में और एवं रायबरेली में दोनों जगह कार्यरत हूँ। और रायबरेली में हमने 2 साल पहले जो है अपना एक रमा कैंसर क्लिनिक नाम से अपना एक क्लिनिक खोला था। और अभी हम लोग एक हॉस्पिटल का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें बेसिकली उसमें गायनिक की सर्विसेज जो मेरी वाइफ डॉक्टर श्वेता वर्मा है वो करेंगी और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर विधि उपाध्याय एवं जनरल सर्जरी में डॉक्टर सौरभ एंड डॉक्टर संजय और जनरल मेडिसिन में डॉक्टर गौरव त्रिवेदी डॉक्टर ज्ञानेंद्र की सेवाएं जो है उपलब्ध हैं एवं डेंटल में डॉक्टर श्रेया त्रिवेदी जो अपनी सेवाएं देंगी। सर, रायबरेली में कैंसर पेशेंट बैठने का समय क्या रहेगा आपके देखने का? मेरा देखने का समय वही सेम रहेगा, थर्सडे और संडे 2 दिन ही मेरा ओपीडी का दिन रहता है, तो ओपीडी मैं 2 ही दिन करूंगा, बाकी दिन मैं लखनऊ में मिलूंगा। सर, जो गरीब पेशेंट आते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, उनके लिए कुछ उनके लिए हम बहुत नर्सिंग होम में ये सहायता होगी। हम लोग बहुत जल्दी आयुष्मान के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, तो जैसे ही आयुष्मान के लिए अप्लाई करके हमारे पास में अप्रूवल आ जाएगा तो उन पेशेंट्स का हम लोग फ्री में इलाज शुरू कर देंगे। और पिछले 2 साल से हम लोग वैसे भी आयुष्मान से और मुख्यमंत्री राहत कोष से कई गरीब मरीजों का जो है इलाज फ्री में कर चुके हैं, तो कैंसर के पेशेंट्स का तो हो ही रहा है, बाकी इसके अलावा बाकी भी जो नॉर्मल पेशेंट्स होंगे उनका भी आयुष्मान में हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग उनका इलाज कराएं। कैंसर पेशेंट काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, क्या लगता है इससे बचाव कर किस चीज से बचाव? आज का जो कैंसर है वो उसका कैंसर का पेशेंट हर साल जो है 30% बढ़ जा रहा है। इसका मेन कारण है जो है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो खान पान है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, जो बाहर के स्ट्रीट फूड वगैरह जो लोग लेते हैं, जो आजकल लाइफ जो है हम लोग की सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं रह गया है, तो ये एक रीज़न बहुत है। ओबेसिटी है, मोटापा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि सारा सारे जो रिस्क फैक्टर है वो मिल के जो है कैंसर का रूप ले लेते हैं। किस डॉक्टर परिचय अपना बता दें? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता वर्मा है। मैंने अपना MBBS GSVM कानपुर से किया है, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन किया है ऑब्स और गायनी में, वो भी मैंने कानपुर से ही किया है। अब आप क्या करेंगी, हॉस्पिटल में खोले हैं इसको, तो किस तरीके से मतलब यहाँ पे जो मरीज आते हैं काफ़ी रूरल एरिया से आते हैं, जो उनको कैसे सुविधा मिल पाएगी? हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, इसमें हम 24/7 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मैं गायनी का डिपार्टमेंट देखूंगी, जिसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, कोई भी जिसमें बांझपन की समस्या है या गायनी से संबंधित, औरतों से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए मैं हमेशा 7 दिन यहाँ पे उपलब्ध रहूँगी। आप चाहें तो मेरे से आके भी मतलब परामर्श ले सकते हो या फिर हमारे क्वेरी काउंटर पे भी आप बात कर सकते हैं। फीस का क्या रहेगा? फीस हमने बहुत ही न्यूनतम ही रखी है, मतलब अभी हम 300 फीस पे ही मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं तो उनको फीस का एक बहुत मतलब पैसे का उनको थोड़ा सा रहता है, क्योंकि वो उसको बहुत ही मेहनत करके कमाते हैं, तो हमने इस पे अपनी फीस को बहुत ही कम रख के मतलब फैसिलिटी उनको वैसी देंगे जहाँ पे वो महंगे अस्पतालों वाले भी फैसिलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। मैम, ओपीडी का क्या समय होगा? ओपीडी के लिए मैं यहाँ पे सुबह 10 से 2 रहूंगी और शाम में 5 से 7 मैं यहाँ पे बैठूंगी।
गरीबों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, गरीबों के लिए हमने किए कि हमारा कंसल्टेशन, अगर हमें लगेगा कि वो उनको सही में ज़रूरत है तो हम अपना कंसल्टेशन नहीं लेंगे, और दवाइयों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के लिए हमने कर रखा है, और लैब्स के लिए भी हम पर्सनल लेवल पे जाके लैब्स पे या जितने भी रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उन पे हमने पर्सनल लेवल पे बात कर रखी कि उनको 25-30% डिस्काउंट हुआ है।